हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल फॉर एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन। तो दोस्तों, आज हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे फिल्टर फॉर्मूले की। जी हां, एक हमारे व्यूअर है, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था एक सिंपल सी प्रॉब्लम, तो उन्हीं प्रॉब्लम को हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे फिल्टर फॉर्मूले में। तो आखिर क्या है? तो बेसिकली मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी टॉपिक है, आप एक बार देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बेहतरीन फॉर्मूला है फिल्टर का। जैसे मेरे पास डेटा है, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे नामों का डेटा है। तो मान लीजिए कि मुझे किसी पर्टिकुलर पर्सन का डेटा चाहिए, तो हमें क्या करना होता है कि हमें फिल्टर लगाना होता है। जी हाँ, फिल्टर। और यहाँ से मान लीजिए हम पर्टिकुलर पर्सन और भी जो है क्राइटेरिया है, उन क्राइटेरिया को सिलेक्ट किया और फिर डेटा को कॉपी करते हैं और फिर किसी और जगह पे पेस्ट कर देते हैं। ये तो हो गई नॉर्मल तरीका, जो जनरली हम ट्रेडिशनल्स अभी तक करते आए हैं। लेकिन मुझे ऐसा एक फंक्शन चाहिए जहाँ जो कि मैं यहाँ पे नेम लिखूं, जैसे मैं नेम लिखा पूजा, तो इस डेटा से पूजा की सारी डेटा को फिल्टर करके यहाँ पे डाल दे। जी हाँ, तो इसके लिए बहुत सारे फंक्शंस और फॉर्मूलेज की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक फॉर्मूले की जरूरत है, इसका नाम है फिल्टर फॉर्मूला। हालांकि इससे पहले की जो लोअर वर्जन थे उसमें अवेलेबल नहीं है, ये आपके ऑफिस 365 या 2019 में अवेलेबल है या फिर गूगल सीट में अवेलेबल है। तो चलिए बताते हैं कैसे करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्राइटेरिया लिख देना है और यहाँ पे हम देते हैं फॉर्मूला फिल्टर का। एक बार हेडिंग आपको रख लेना होगा, क्योंकि फिल्टर में हेडिंग नहीं आता है। जी हाँ, तो हेडिंग को उठा के आप रख लीजिए और सबसे स्टार्टिंग ऑफ द डेटा में आप लगाइए फिल्टर फॉर्मूला, और फिल्टर फॉर्मूला में आप सेलेक्ट कर लीजिए पूरा का पूरा डेटा। उसके बाद आपको किस फील्ड में फिल्टर लगाना है, तो मुझे नेम में फिल्टर लगाना है, तो मैं नेम को सिलेक्ट कर लिया और बोला नेम इक्वल टू फिल्टर में आता हूं और यहाँ पूजा लिख दे। ध्यान से देखिएगा मेरा फॉर्मूला क्या लगाया। हमने डेटा को सिलेक्ट किया, फिर जिस कॉलम का फिल्टर सिलेक्ट किया और क्राइटेरिया इक्वल टू क्राइटेरिया दे दिया। अब मैं जैसे एंटर मारूंगा पूरा डिटेल आपके सामने यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार देंगे तो ठीक रहेगा। कंट्रोल शिफ्ट मारते हैं पूरे में चला आया, उससे पहले पूरा नहीं था। अब यहाँ पे जस्ट यहाँ पे डालता हूँ मैं इंदर, इंदर डाला, इंदर का पूरा डिटेल आ गया। लेकिन कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार देने से देखिए क्या प्रॉब्लम आ गई, नीचे जो डेटा अवेलेबल नहीं वहाँ पे इनमें आ गया। तो इसलिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर मत मारे। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे हम देखेंगे ओम, तो ओम का डेटा नहीं है, इससे नहीं आया। देव का भी डेटा नहीं है, पूजा का है, पूजा का आ गया। यहाँ पे टी टू का डेटा है, मैं टी टू डालूंगा तो यहाँ टी टू का आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला फिल्टर का है। तो ऐसी छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए, एडवांस यू के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहें और हमारे लाइव क्लासेस की वीडियो को देखें और हमारे रिकॉर्डेड सेशन को भी देखें। आप मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं जूम ऐप के थ्रू, हम लोग जूम ऐप के थ्रू लाइव 1-to-1 क्लास देते हैं। अगर इस तरह से जुड़ना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं और डेमो क्लास का फॉर्म भरें, 2-3 क्लास डेमो लें। अच्छा लगा तो आप मुझे कॉल क्लासेस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई भी डिटेल क्वेरी हो, किसी तरह का डिटेल चाहिए कि या किसी तरह का प्रॉब्लम है, तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या स्काइप कर सकते हैं। मेरा नंबर सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय।